भारतीय जनता पार्टी सत्ता पैसा पावर मनी पावर मसल पावर हाँ एजेंसी पावर की ताकत पर यही कर सकती है और क्या कर सकती है। सरकारें गिराइए, विधायक खरीद ले, एमपी खरीद लो, हाँ हिमाचल में यही हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है। नहीं फिर भी क्रॉस वोटिंग तो करवाया ना, वो बात तो छोड़ दीजिए, क्रॉस वोटिंग तो किया ना। अक्रॉस द पार्टी लाइन की अगर मैं बात करूं तो आपने क्रॉस शूटिंग किया है, तो आप विधायक कैसे रह सकते हो। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीटें फाइनल हो जाएंगी। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद, यहां 48 सीटें हैं लोकसभा की और पूरा देश का लक्ष्य यहां लगा है कि यहां क्या हो रहा है। लेकिन मैं बार बार मेरे पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं या महाविकास आघाड़ी की तरफ से बोल रहा हूं, हमारे यहां महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ प्रकाश आंबेडकर जी की हमारा सीट शेयरिंग बहुत ही नॉर्मल तरह से हो रहा है और हो जाएगा। नहीं हेट नहीं है, लव है। प्रकाश आंबेडकर जी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। प्रकाश आंबेडकर जी भी चाहते हैं कि देश में जो तानाशाही है वो खत्म हो जाए। प्रकाश आंबेडकर जी भी ये चाहते हैं कि मोदी जी का जो जिस तरह के रवैया देश में चल रहा है जिसे हम एकाधिकारशाही कहते हैं वो खत्म हो जाए। प्रकाश आंबेडकर इस देश में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। बात रही सीट शेयरिंग की, आंबेडकर जी को जो चाहिए हम देने को तैयार है, आप उनका फैसला है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पैसा पावर मनी पावर मसल पावर हाँ एजेंसी पावर की ताकत पर यही कर सकती है और क्या कर सकती है। सरकारें गिराइए, विधायक खरीद ले, एमपी खरीद लो, हाँ हिमाचल में यही हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है। नहीं फिर भी क्रॉस वोटिंग तो करवाया ना, वो बात तो छोड़ दीजिए, क्रॉस वोटिंग तो किया ना। अक्रॉस द पार्टी लाइन की अगर मैं बात करूं तो आपने क्रॉस वोटिंग किया है, तो आप विधायक कैसे रह सकते हो। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीटें फाइनल हो जाएंगी। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद, यहां 48 सीटें हैं लोकसभा की और पूरा देश का लक्ष्य यहां लगा है कि यहां क्या हो रहा है। लेकिन मैं बार बार मेरे पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं या महाविकास आघाड़ी की तरफ से बोल रहा हूं, हमारे यहां महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ प्रकाश आंबेडकर जी की हमारा सीट शेयरिंग बहुत ही नॉर्मल तरह से हो रहा है और हो जाएगा। नहीं हेट नहीं है, लव है। प्रकाश आंबेडकर जी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। प्रकाश आंबेडकर जी भी चाहते हैं कि देश में जो तानाशाही है वो खत्म हो जाए। प्रकाश आंबेडकर जी भी ये चाहते हैं कि मोदी जी का जो जिस तरह के रवैया देश में चल रहा है जिसे हम एकाधिकारशाही कहते हैं वो खत्म हो जाए। प्रकाश आंबेडकर इस देश में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। बात रही सीट शेयरिंग की, आंबेडकर जी को जो चाहिए हम देने को तैयार है, आप उनका फैसला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।